आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई बोथ रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बडिंग। ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग। Organism Y is tiny animal having tentacles which live in water. Out of X and Y, which organism is multicellular and which one is unicellular? तो particularly अगर consider करते हैं, तो X जो animal है, इसको अगर consider करें, तो ये yeast organism हिसाब से जाने जाते हैं, जो कि particularly unicellular fungi है। और इनका मेन काम क्या होता है? तो इनका मेन काम होता है एनएरोबिक कंडीशन में, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन रहता है, वहां पे प्रोड्यूस करना जो अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि ब्रेड और बेवरेज में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर वाई को कंसीडर करें, तो वाई जो ऑर्गेनिज्म है ये हाइड्रा हिसाब से पाए जाते हैं, जिसका फाइलम हम कह सकते हैं हो जाता है नीडरिया। और अगर इनका हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर देखें, तो ये हो जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मोर देन वन सेल से बने हुए रहते हैं। और इनके टेंटेकल्स हेल्प करते हैं टू गैदर फूड और डिफेंस के अगेंस्ट। तो इसी हिसाब से कंसीडर करते हैं, तो जो यहाँ पे एक्स ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ये हो जाता है यूनिसेलुलर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और जो वाई यहाँ पे हाइड्रा है, वो बेसिकली क्या हो जाता है? वो हो जाता है यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यही चीज है जो कि हम नोट कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।